पाठ दो धर्म निरपेक्षता। आज हम लोग सिविक्स पाठ दो के चैप्टर धर्म निरपेक्षता का प्रश्न उत्तर देखेंगे। पहला है, धर्म निरपेक्षता शब्द भारतीय संविधान की उद्देशिका में किस वर्ष जोड़ा गया था? तो यह 1976 में जोड़ा गया। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समय समानता तथा सभी को समान कानूनी सुरक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 14। राज्य में से कौन सा भारतीय धर्मनिरपेक्षता का लक्षण नहीं है? राज्य धार्मिक संस्थाओं को आर्थिक अनुदान प्रदान करता है, यह कथन गलत है। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। भारतीय संविधान के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता प्रदान करता है। अनुच्छेद 16 समस्त नागरिकों को सार्वजनिक नियुक्तियों के में अवसर की समानता प्रदान करता है। कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों के भंग होने पर न्यायालय जा सकता है। सही कथन गलत कथन। राज्य धर्म के आधार पर भेदभाव कर सकता है, गलत। कुछ मामलों में राज्य धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, सही। संयुक्त राज्य अमेरिका एक धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक राज्य है, सही। प्रश्न, धर्म निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? धर्म निरपेक्षता का अर्थ है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना। संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान क्या कहता है? अमेरिका के संविधान में यह कहा गया है कि विधानमंडल किसी धर्म को राजकीय धर्म घोषित नहीं कर सकेगा, ना ही यह किसी धर्म को वरीयता या प्राथमिकता दे सकता है। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया? 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा। भारतीय संविधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन क्यों किया गया? भारत में सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए। एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए धर्मनिरपेक्ष होना क्यों आवश्यक है? नागरिकों के मौलिक अधिकारों को के हनन को रोकना एवं राज्य अपना कर्तव्य निष्पक्ष होकर पूरा करे, इस कारण से एक लोकतांत्रिक राज्य के लिए धर्मनिरपेक्ष होना आवश्यक है। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता एवं भारतीय धर्मनिरपेक्षता के बीच एक अंतर बताइए। अमेरिका में धर्म और राज्य के बीच पूरा लगाव है, पर भारत में ऐसा नहीं है। भारतीय धर्मनिरपेक्षता के किन्हीं दो लक्षणों की विवेचना कीजिए। प्रत्येक को अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है। प्रत्येक धार्मिक समुदाय को धार्मिक एवं जन कल्याणकारी संस्थाएं स्थापित करने एवं उनके रखरखाव का अधिकार दिया गया है। भारतीय राज्य स्वयं को किस धर्म से किस प्रकार दूर करता है? राज्य किसी एक धर्म का समर्थन नहीं देता। अहस्तक्षेप की नीति, राज्य का हस्तक्षेप करने का अधिकार। राज्य सभी के लिए धार्मिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के उद्देश्य को कैसे पूरा कर सकता है? राज्य किसी भी धार्मिक समुदाय के धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप न करके धर्मनिरपेक्षता को सुनिश्चित करता है। धर्म को राज्य से पृथक करना क्यों महत्वपूर्ण है? लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, समानता की स्थापना करने हेतु धर्म को राज्य से पृथक करना महत्वपूर्ण है।